भिवानी जिले के कोट गांव के रहने वाले सीआरपी में तैनात असिस्टेंट कमांडेंट कृष्ण आज सुबह अपनी ड्यूटी के लिए बाइक पर सवार होकर निकले थे, लेकिन रोहतक शहर के आउटर बाईपास पर खरावड़ के पास खाई में उनका शव मिला है। मोटरसाइकिल भी शव के पास ही पड़ी हुई थी। यही नहीं, मुंह और शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि ये चोट के निशाने सड़क हादसे की वजह से लगे हैं या कोई अन्य मामला है। घटना की सूचना देने के बाद पुलिस व एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और मुआयना करते हुए जांच पड़ताल की। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर जय भगवान ने बताया है कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। जिस प्रकार से तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जय भगवान जी। जय भगवान जी। जो ये 5 बजे अपने घर से ना 3 बजे अपने घर से भिवानी से निकले थे, रास्ते में ये कलानौर कहीं रुके हैं और उसके बाद 5:30 या 5:15 बजे कलानौर से निकले हैं और रास्ते में इनकी मोटरसाइकिल पर ये थे। ये भिवानी से अपने सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडर हैं, कमांडेंट हैं, और ये रास्ते में इनकी बाइक फिसली है जो नीचे उसमें पड़ी हुई थी उसकी डेड बॉडी, और वो बाकी जांच में जो जैसा भी आगे आओगा वो। सूचना पर कृष्ण के परिजन और सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब के स्टूडियो।